जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार वाली न्यूज़ लेकर आया हूँ, और ये वाली जो न्यूज़ है ना, उन कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो नेट जेरप की तैयारी कर रहे हैं। जिनका सपना है जेरप क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना, उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये उन कैंडिडेटों के लिए जिनका जेरप क्वालिफाई नहीं है, जिनका केवल नेट क्वालिफाई है और वो नेट के बेस पर PhD करना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि जेरप क्वालिफाई होने पर फेलोशिप मिलती है 36,510 रुपये। शुरू के 2 साल में जेरप मिलता है, उसके बाद 3 साल तक SRF मिलता है, जो लगभग 42,000 रुपये मंथली मिलता है। गवर्नमेंट है जो हायर एजुकेशन की ओर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस कर रही है। हर एक गवर्नमेंट हायर एजुकेशन में लोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में सुनी होगी कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो नेट क्वालिफाई कैंडिडेट यदि PhD करते हैं तो उनको फेलोशिप प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो बिहार गवर्नमेंट है वो भी एक नया रूल लेकर आ रही है। बिहार गवर्नमेंट भी जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई है और वो नेट क्वालिफाई करके PhD कर रहे हैं तो उनको वो फेलोशिप देगी। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है कि नेट क्वालिफाई कैंडिडेट को भी PhD के दौरान लगातार 3 साल तक फेलोशिप मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं, बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी नया अपडेट आए वो बिल्कुल सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। हर आप हायर एजुकेशन से जुड़े अपडेट से बिल्कुल ऑलवेज अपडेट रह पाए। और अभी तक नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राज्य में CM डॉक्टरेट फेलोशिप योजना की शुरुआत, जल्द नेट पास PhD अभ्यर्थियों को 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपये की फेलोशिप मिलेगी। भाई अभी यदि आप बिहार से हो और बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आप PhD करते हो तो आपको, यदि आप नेट क्वालिफाई हो बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप PhD करते हो तो आपको लगातार 3 साल तक 10,000 रुपये महीने की फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अब नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों को भी फेलोशिप मिलेगी। तो अब जबरदस्त तरीके से जिन कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई नहीं है, जेरप क्वालिफाई नहीं है, वो जबरदस्त तरीके से लग जाएं। सबसे मेन टारगेट बनाओ कि आपको जेरप क्वालिफाई करना है, ताकि आपको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट फेलोशिप के तौर पर मिले। और बाई चांस यदि आपका जेरप क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो भाई नेट तो क्वालिफाई करो ही करो, और फिर उसके बाद PhD में एडमिशन लो। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन लोगे तो ना तो वहाँ पर कोई फीस मिलेगी और 10,000 रुपये मंथली आपको 3 साल तक फेलोशिप भी मिलेगी। और बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट ने तो बहुत पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि यदि आप नेट क्वालिफाई होकर PhD करते हो तो PhD के दौरान आपको 3 साल तक फेलोशिप मिलेगी। तो ये थी एक बहुत ही प्यारी न्यूज। इसका एक अलग से सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जो अभी केवल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका 100 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा, मतलब 100 नंबर टोटल होंगे, उनमें से अलग अलग तरीके से रहेंगे। जैसे मैट्रिक के प्राप्तांकों के अधिकतम 10 नंबर जुड़ेंगे, इंटरमीडिएट के 15 नंबर जुड़ेंगे, स्नातक के 25 नंबर, स्नातकोत्तर के 35 नंबर, रिसर्च पेपर यदि आपने पब्लिश कर रखा है तो उसके मैक्सिमम 10 नंबर मिलेंगे, एक्स्ट्रा कैरिकुलम और स्पोर्ट्स के लिए आपको 5 नंबर का प्रावधान किया जाएगा, विज्ञान संकाय से 100 और सामाजिक विज्ञान से अधिकतम 150 को फेलोशिप, कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान, मानवीय शिक्षा, वाणिज्यिक आदि विषयों के लिए 350 को फेलोशिप देने का लक्ष्य रखा गया। यहाँ पर ध्यान रखना, हर एक कैंडिडेट को फेलोशिप नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए इन्होंने बिल्कुल फिक्स कर दिया कि यदि आप साइंस हो तो टोटल 150 कैंडिडेटों को 1 साल में फेलोशिप दी जाएगी। यदि आप आर्ट्स से हो तो यहाँ पर, सामाजिक विज्ञान से हो तो यहाँ पर 150 कैंडिडेटों को 1 साल में फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। यदि आप कृषि विज्ञान से हो, पशु विज्ञान से हो, मानविकी से, शिक्षा से, वाणिज्य से हो तो यहाँ पर टोटल 350 कैंडिडेटों को नेट के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, और इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। बाकी इसमें यदि कोई भी बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये केवल एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सभी चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताया जाएगा। और फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताऊँगा, इसलिए आप एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने जितने भी जिगरी दोस्त हैं सभी के साथ जरूर शेयर करो।